उम्मीद करते हैं लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को रिप्लाई दिया है, जो कि आजकल हम सबको पता है कि हिजाब के लिए काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इंडियन गवर्नमेंट को रिप्लाई दिया है, वो क्या रिप्लाई है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Actually, what happened is I was just for a submit the assignment. That's why I entered the college, and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allah. Muslim 7194. मिश्कात 3524। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिनको मैंने भी नहीं देखा हुआ, इतने सख्त अजाब में है कि अल्लाह ने मुझे उनका अजाब नहीं दिखाया। आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयीहि अलल इस्लाम वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान आमीन। पहला ग्रोह जिसके पास गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारते होंगे, यानी जालिम हुक्मरान बनू मैया बनू बास के बदमाश हुक्मरान, और आज के भी जो बदमाश हुक्मरान जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकते हैं, जेलों में डाल के लोगों को कोड़े मारते हैं, इनका अजाब बहुत सख्त होना है क़यामत वाले दिन। इतना सख्त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखाया गया कि आपका जो कल्ब की रिक्कत थी और नरमी थी शायद वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा गिरोह, मैं अपनी इस्लामी बहनों से मुखातिब हूं, मुसलमान बहनों से, वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी है, यानी या तो इतना बारीक लिबास है कि जिस्म नुमाया, या इतना चुस्त है कि वो नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो हिजाब और बुरका भी इतना चुस्त होता है कि जिस्म नजर आ रहा होता है, ये कोई हिजाब नहीं है। जो पंजाबी कहते हैं ना, थोकिच पकौड़े तलने वाली गल है, ये कोई हिजाब नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं आप लोग? वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हो, बारीक और यानी चुस्त लिबास, मॉडर्न दौर में आप कह लें स्किन टाइट जीन्स वगैरह, या जो है वो बिल्कुल टाइट किस्म के बुरके, फैंसी किस्म के बुरके लोगों को अट्रैक्ट करने वाले। अगले अल्फाज सुने सही मुस्लिम 7194 मिश्कात 3524। दूसरों को मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों की झुकी हुई कुहानों की तरह होंगे। ये आज भी औरतें हैं ना, वो बाज हिजाब किया होता है और ऊपर जूड़ा किया होता है ना, ऐसे वो एक्सटेंडेड एपेक्स नजर आ रहा होता है। देखें बिल्कुल वही चीजें पूरी आ रही हैं, मेरे नबी के नबी होने की दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जमाने में तो ये मामलात नहीं थे, इन्हें डोमिनेट होने के लिए मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों के झुकी हुई कुहानों की तरह होंगे, यानी हिजाब में से भी जूड़ा उनका नजर आ रहा होगा। ये दोनों गिरोह ना जन्नत में जाएंगे ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। वलियाउ बिललाह ताला, खुशबू भी नहीं आएगी इनको। 13वीं हदीस जामिया तिर्मिजी सुन अबी दाऊद और सुन निसाई में है और मिश्कात में है 1065। बहुत क्रिटिकल हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी अजनबी औरत को देखने वाली हर आंख जानिया है। ये नहीं अब कहा जाएगा ये औरत क्यों मुंह खोल के आ गई, देखने वाली हर आंख जानी, हर आंख का मतलब हो गया गांधी साहब, अब दिल का भी कोई इतबार नहीं रहा, हर आंख जानिया है, चाहे दिल में बुरी नीयत थी चाहे अच्छी नीयत। और बेशक औरत जब इत्र लगाकर खुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुजरती है गोया वो इसी तरह है कि वो जानिया औरत है। बोली आउज़ु बिल्लाहि तआला। अच्छा, जो इत्र लगा के मर्दों के पास से गुजरे वो जानिया है, और जो बाल खोल के चेहरा खोल के जाए वो क्या है? मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिट करें ना जरा इसमें,
तो आपको पता चल जाएगा, खुद आप फैसला कर सकते हैं। ये फिर भाई बात करूंगा कि माँ बाप को उफ तक मत को, हाँ गाली दे लो मार लो, नहीं, जब उफ नहीं कहना बाकी चीजें मना, जब खुशबू लगा के नहीं निकल सकती तो बाकी चीजें इंप्लाइड होंगी कि उससे बड़े लेवल के काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, बदरजा उला नहीं कर सकती जब छोटे लेवल के काम मना है। तो फिर अक्सर औरतें कह रही होती है पर्दा दिल का होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं फरमाया कि दिल का पर्दा होता है, फरमाया खुशबू ना लगाओ। खुशबू वैसे औरत लगा सकती है, परफ्यूम का भी इस्तेमाल जायज है, अल्कोहल पीना मना है, कपड़ों को लगे। मेरा मसला नंबर 69B के अंदर मैंने परफ्यूम का, होम्योपैथिक अद्वियात का, 69A के अंदर मैंने ये सारे मसले रिजॉल्व किए हैं। लेकिन इतनी अट्रैक्टिव खुशबू ना हो कि वो बाहर फैली हो, यानी डोमिनेंट ना हो बहुत ज्यादा, तो वो लगा सकती है। तो ये कहते हैं दिल का पर्दा है जी, आंखों के पर्दे की खैर है, दिल का पर्दा होना चाहिए। तो कपड़े भी फिर दिल के पर्दे की पहने, ये कपड़ों वाला भी आप लवाजमात फिर छोड़ दें। दिल का पर्दा नहीं मेरे भाई, आंखों का भी पर्दा है। और बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है बहुत सख्त, मिश्कात में 86 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया आंख का जिना देखना है, अल्लाहु अकबर, जुबान का जिना फोहश गोई है बोलना, हाथ का जिना पकड़ना है, टांग का जिना चल कर जाना है, नफ्स तमन्ना करता है और शर्मगा उसकी तस्दीक कर देती है। यानी वरना तो आप कहना चाहिए दिल का ही सिर्फ होता है, आंख का भी फरमाया, जुबान का भी फरमाया, हाथों का भी फरमाया। तो मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल क्लियर है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जो समझानी पड़ जाए, या फोर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो आपको समझानी पड़ रही है। मेरे भाइयों ये तो सीधी सीधी चीजें हैं, मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलता है। तो ये कहते दिल का पर्दा है, मैं दसना जनाब दिल का पर्दा की है, दिल का पर्दा बताऊं आपको, आज तक मैंने हदीस ऑन एयर बयान नहीं कभी की है, आज सुन ले हदीस, दिल का पर्दा क्या होता है। और दिल का पर्दा तो बड़ा मुश्किल है करना, अब मैं दिल का पर्दा इनको बताने लगूं जो कहते हैं दिल का पर्दा फिर सुन ले आप, वो तो बहुत सख्त मामला है दिल के पर्दे वाला। वो 14वीं हदीस मुसनद अहमद में है और मिश्कात में 1771 1771। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने हुजरे के उस हिस्से में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर की कब्रें थी बगैर हिजाब के भी चली जाया करती थी और अपने दिल में कहती थी एक मेरे शोहर हैं और दूसरे मेरे बाप, इनसे मेरा क्या पर्दा। लेकिन जब से सैयदना उमर वहां पे दफन हुए हैं तो उमर मेरे लिए है ना महरम, तो मैं कभी बगैर पर्दे के उसकी कब्र के पास भी नहीं गई। ये है दिल का पर्दा। हालांकि ये नहीं था उनका कीदा कि सैयदना उमर को अंदर से देख रहे हैं, जो बंदा 10 फुट मट्टी के नीचे से देख सकता है उसके लिए तो फिर कपड़ों का पर्दा भी कोई अहमियत नहीं रखता। बात मेरी समझ आई लॉजिकल? जो बंदा कब्र के नीचे से देख रहा है उसके सामने तो आप कपड़े भी पहन के चले जाए तो वो नहीं देख सकता। जो इतनी मोटी जो है वो जमीन की तह में से बाहर देख रहा है तो ये 1 मिलीमीटर के कपड़े के अंदर से नहीं वो देख सकता। ए मैं फकी दी थी सूफिया जो और रिजल्ट कट देने फकी ले लो फकी है अल्हम्दुलिल्लाह इल्जामी जवाब और एंटी वनम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह फिलोसॉफिकल आंसर वो और तरफ चल पड़ते हैं इससे। वो ये तो उन्होंने अपनी परहेजगारी बताई है। ये है दिल का पर्दा कि जरूरत भी नहीं थी कोई देख नहीं सक रहा उसके बावजूद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्दा है कि सैयदना उमर की कब्र के पास भी वो नहीं जाती। औरत जा सकती है कब्रिस्तान पर्दे के अंदर, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मसला नंबर 27 मेरा पूरा रिकॉर्डेड मौजूद है, कब्रों के अहकामात मज़ारात गुंबद खजरा इसके हवाले से उसमें मैंने बताया। लेकिन अक्सर औरत जो जाएगी ज़वारुल कुबूर करने वाली उस पे लानत है, कभी कभार इबरत के लिए जरूर जा सकती है, कोई मना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जवाज मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आज टॉपिक नहीं है। तो वो सईदा आयशा कहती है मैं तो कभी वहां नहीं गई उमर की कब्र की वजह से। ये है दिल का पर्दा। अब जो लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है तो खुदा के बंदो फिर पर्दे की जरूरत क्या है? निस्वानी हुस्न अगर उसमें अट्रैक्शन है वो कहां होता है सबसे बढ़कर? मजहर अव्वल कौन सा है? निस्वानी हुस्न का चेहरा ही तो है। अब मैं जरा शर्म के साथ कह रहा हूं लेकिन ये अपनी शायरी के कुछ अल्फाज आपको सुना रहा हूं। ये लबे लालीन कहां होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कहीं और होते हैं? ये आरिज़े गुलगुन ये कहां होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कमर में लगे होते हैं? ये चाहे जकन थोड़ी में अगर कुछ खड्डा पड़ा हुआ हो चाहे जकन, ये तारीफें जो शायरी में होती हैं ये कहां होता? ये मिजगा के तीर
ये कहां होते हैं? ये नरगसी आंखें ये कहां होती हैं? और सुतवा नाक ये कहां होती है? चेहरा ही तो है, सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो चेहरा, उसी को ना छुपाया तो फिर और क्या छुपाया। हाँ, दूसरी चीज छाती के उभार बहुत अट्रैक्टिव होते हैं इंसान के लिए। उसके लिए ये है कि वलिया द्रिबना बेखबर हिन्ना अलाज यू बेहिन्ना, कुर्ता भी दबीज कपड़े का हो, कुर्ता जो है ढीला ढाला भी हो, शलवार और दबीज तर कपड़े की हो, ढीली ढाली हो, और ओढ़नी का बुक्कल जो है अपने सीने पर मार लिया जाए। मेरे भाइयों, ये तो है तकवे की बातें। जो लोग बचना चाहते हैं वो आज भी बचते हैं। आपको पता है यूरोप में, खुसूसन फ्रांस के अंदर, जब औरतों के चेहरे के निकाब के ऊपर वो बंदी लगाई गई तो दिल बेईमान थे उजता ढेर, और दिल अगर ईमानदार हो जाए तो रास्ते भी ढेर। फिर औरतों ने क्या किया, उन्होंने डस्ट मास्क पहनने शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह, मैं कहता हूं जी ऐसी औरतों से कुर्बान जो इस तरह अल्लाह की वफादार बंदियां हैं। क्या उन्होंने कहा ठीक है, डस्ट तो आप मेडिकल इशू को तो नहीं रोक सकते ना उस माशरे के अंदर। कई लोगों को एलर्जी भी होती है डस्ट से, धुएं से, पोलन एलर्जी होती है। औरतों ने कहा ठीक है, हमने नकाब उतार दिए, उन्होंने डस्ट मास्क पहनने शुरू कर दिए। अगर आपकी नीयत ठीक है ना, आपको अल्लाह ताला सॉल्यूशंस भी देगा, बिल्कुल देगा। और मैं कहता हूं उन यूरोप की औरतों को सलाम है, यहां मुसलमान औरतें उनको बूढ़े होते हुए भी समझाना पड़ता है कि चेहरे का निकाब आपने करना है। जिसने बात माननी हो मानेगी, जिसने वो जो सूरह तौबा में आया ना कि मोमिनीन की जाने और माल हमने जन्नत के एवज खरीद लिए हुए हैं, जिन्होंने जन्नत का सौदा कर लिया उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस तरीके से बाद मर्द पूछते हैं जी हमारी फीमेल्स टीचर हैं, हम क्या करें, मेरे भाई स्कूल कॉलेज बदल लें, यूनिवर्सिटी बदल लें, ना जाए। अगर एज ए लास्ट रिजॉर्ट वहीं पे पढ़ना पड़ता है तो काले चश्मे इस्तेमाल करें, मेडिकल इशू हो सकता है ना, क्योंकि वो अगर ना देखें तो वो फिर टीचर्स भी बुरा मानती हैं, खुसूसन जहां पे गोरियां पढ़ा रही हैं तो वो तो बुरा मानते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट टीचर की तरफ नहीं देखता। तो भाई उसका सोल्यूशन ये, आप काला चश्मा इस्तेमाल करें, आपके मेरी आंखों के साथ मसला है, और दिल में नियत करें तौरिया करते हैं, मसला ये है कि ऐसी दी तैसी फिर जानी है ना आंखा दी, ये मसला है मेरे साथ, अल्लाह का खौफ है। तो ये मैं बताऊं सॉल्यूशंस बहुत मौजूद हैं, और अगर कोई करना है। तो इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कुछ इंडियन गवर्नमेंट को रिप्लाई तो नहीं दिया है एज सच, और ये जो वीडियो है ये इस्लाम सीकर चैनल से मैंने लिया है, और मुझे इसका टाइटल जो था टाइटल में लिखा था रिप्लाई टू इंडियन गवर्नमेंट बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, तो मुझे लगा कि शायद वो हिजाब प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको लेकर मोहम्मद मिर्जा साहब ने शायद कुछ बोला हो, इंडियन गवर्नमेंट को रिप्लाई दिया हो, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग बहुत अपसेट हैं इस इशू को लेकर, जो कि कहो कि अननेसेसरली ही गवर्नमेंट उसको इशू बना रही है, या लोग आई डोंट नो कि क्या उन लोगों की प्रॉब्लम है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं ये कहती हूँ कि मतलब हर किसी को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं, किसी को किसी के पहनावे पे इंटरफेयर करने का हक नहीं होना चाहिए। ये हर इंसान का अपना डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं, वो बुर्का पहनना चाहते हैं, वो स्कर्ट्स पहनना चाहते हैं, वो जीन्स पहनना चाहते हैं, ये वो सूट सलवार पहनना चाहते हैं। तो हर किसी का अपना डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या ड्रेस चूज करना चाहते हैं, वो किसको प्रेफरेंस देते हैं। इसमें अननेसेसरी दूसरे लोग इंटरफेयर करें कि ये मत पहनो वो मत पहनो, ये तो बिल्कुल ही बेकार वाली बातें हैं। और जो बुर्का है, बुर्का हिजाब ये जो है, ये तो रिलीजियस आइडेंटिटी भी है मुस्लिम लोगों के लिए, तो उसमें अननेसेसरली अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो ऑब्वियसली दूसरे बंदे तो अपसेट होंगे ही होंगे। तो ये मुझे सच में बहुत ही मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा कि क्यों वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भैया बुर्का नहीं पहन के आना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। और इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यही बताया है कि जो मुस्लिम औरतें हैं उन लोगों को हिजाब और बुर्का पहनना चाहिए, बिकॉज उन लोगों को अपने आप को कवर करके रखना चाहिए और अपना फेस प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए, हर चीज़ जो कि एज पर द इस्लाम बातें कही गई हैं, कुरान में भी लिखी गई हैं। जो अदर रिलीजन्स हैं एज पर माई नॉलेज उनकी होली बुक ये चीज़ नहीं मैंशन करती कि आपको ये ड्रेस पहननी है वो ड्रेस नहीं पहननी, बट मुस्लिम जो है उनके लिए ड्रेस को डिसाइड किया गया है कि आप लोगों को बुर्का पहनना होगा, आप लोगों को हिजाब पहनना होगा, अपनी बॉडी को प्रॉपरली कवर करके रखना होगा। तो एटलीस्ट जिनको ये बात बोली गई है, बिकॉज
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ मेंशन की हुई है कुरान में भी, जो कि खुद अल्लाह के ही वर्ड हैं, तो उसको मुसलमानों के लिए इग्नोर करना नामुमकिन है। ऑल्दो ये सच है कि कई मुस्लिम लेडीज़ भी ऐसी होती हैं जो आजकल की न्यू जनरेशन है, वो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम भी मतलब ऐसा ड्रेस पहने जो कि बाकी सब लोग पहनते हैं, तो इसलिए वो कभी कभी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि वो प्रॉपरली खुद को कवर नहीं करते, बुरखा इग्नोर कर देते हैं या हिजाब कैरी नहीं करते। तो उन सब के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने और डॉक्टर इसरार अहमद ने उन औरतों को मैसेज दिया है कि आपको कैसा ड्रेस पहनना चाहिए। इसमें इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ नहीं बोला है, और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर इसरार अहमद दोनों के बयान बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आज तक मैं जितने भी बयान सुन चुकी हूँ उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं वो लोग। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी, बाय।